Hi everyone. Good afternoon. Welcome to Unacademy. We need good evening. बोले good afternoon. बोले कुछ भी ले लो यार. Welcome guys. Welcome. How are you? Good afternoon guys. Good afternoon. Welcome to another session on animal tissues. हम आज complete कर देंगे. Yes बेटा. Today we are going to just कम्प्लीट एनिमल टिश्यूज. एनिमल टिश्यूज में टोटल चार तरीके के टिश्यूज हैं. वी हैव एपिथीलियल टिश्यू, वी हैव कनेक्टिव टिश्यू, वन ऑफ द अबंडेंट वन जिसने सबसे ज्यादा टाइम लिया. वी हैव गॉट मस्कुलर टिश्यू, वी हैव ऑल्सो गॉट नर्वस टिश्यू. ठीक है, तो दो टाइप के टिश्यूज हमने कर लिए थे. एपिथीलियल डन है, कनेक्टिव डन है. कनेक्टिव अच्छे से डिटेल में आपको बताते, थोड़ा सा पीडीएफ भेजने में लेट हो गया था, बट येस आई होप मिल गई है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मस्कुलर टिश्यू. बहुत सारे बच्चों को ऐसा डाउट आ रहा है कि मैम हम क्लास के साथ साथ कैसे नोट्स बनाएं. क्या आपको भी ऐसा डाउट होता है कि मैम तो क्लास में लिख रही है, हम समझे कि नोट्स बनाएं क्या करें? तो इसके लिए आई एम प्लानिंग टू मेक अ वीडियो. आप मुझे बताना, कुछ बच्चों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया है, नहीं बताया कि मैम हम क्लास के दौरान आपको सुनते हैं एंड हम नोट्स बनाने की भी कोशिश करते हैं, बट हमारा जो माइंड है ना, मल्टीटास्क नहीं कर पाता. या तो मैं देख सकता हूँ या मैं लिख सकता हूँ. ठीक है, तो मल्टीटास्क कैसे किया जाए, ये आर्ट आनी चाहिए, ये मस्ट है. अब मैं आपको 11th क्लास में आकर ड्रॉपर बनकर या 12th क्लास में आकर ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप क्लास में सिर्फ सुनिए 1.5 घंटा, फिर जाकर आधा घंटा लगाकर नोट्स बनाइए. यू हैव लिमिटेड टाइम, आपको इसी टाइम पे ये दोनों काम डन करने हैं. घर जाकर नोट्स नहीं बनाना है, नोट्स को रिवाइज करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है ना. तो ये जो डाउट है ना आपका कि किस तरीके से क्लास के दौरान नोट्स बनाएं और समझ भी लें, इस पे आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा इसी वीकेंड पर. ठीक है, मैं आपको करके दिखाऊंगी, मैं अपने सेशन से नोट्स बनाकर दिखाऊंगी ड्यूरिंग द क्लास. ठीक है, किस तरीके से बनाया जाता है, कैसे फास्ट फास्ट लिखते हैं, कैसे उस चीज़ को बाद में कंप्लीट कर लेते हैं. जैसे मैं ये नहीं कहती पूरे नोट्स बाद में बनाओ, बट छोटी छोटी जो चीज़ें रह जाती हैं, इज एम आर, ये छोड़ना पड़ेगा. ये जो शॉर्ट है, एक ना शॉर्ट हैंड लैंग्वेज होती है, आई एम नॉट श्योर आपने कभी सुना है नहीं, उसमें सिंबल्स के फॉर्म में हम लिखते हैं. लाइक कोई बहुत फास्ट बोल रहा है, वी राइट इट इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स. तो शॉर्ट हैंड हमें इंग्लिश में बनाना है, ऐसा शॉर्ट हैंड जो आपको समझ आए. ठीक है, अब जैसे एंड लिखना है, सिंबल बना लोगे चल जाएगा, विद निकलना है, सी के ऊपर लाइन बना लोगे चल जाएगा. तो ये आपके खुद के डेवलप किए हुए सिंबल्स, कुछ जो मेरे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी. तो उस तरीके से अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आप क्लास के दौरान भी बना पाएंगे एंड साथ में आपको घर जाके सिर्फ रिवाइज करना होगा, उसको बनाना नहीं है दोबारा बैठ कर. ठीक है, हाँ जी, कुछ जो मेरे सिंबल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी, जो मैंने बनाए हुए हैं अपने, वो मेरे को काम करते हैं. आप अपने कुछ और भी बना सकते हो और ये बहुत ज़रूरी है आगे कि आपकी 2 साल की जर्नी में, 2 या 1 साल जितने भी साल आप तैयारी कर रहे हैं. ठीक है बेटा, हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं. हाँ बिल्कुल सही है, रिएक्शन वाला भी आप मेरे साथ शेयर करना, कौन कौन से सिंबल्स आपने रखे हुए हैं. रिएक्शन को RXN लिख देते हैं, कंक्लूजन को CONC लिख देते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, है ना. ब्लड वेसल को BV लिख दिया, कनेक्टिव टिश्यू को CT लिख दिया. एक बारी मैं ऊपर लिखती हूँ कि कनेक्टिव टिश्यू इज इक्वल टू CT, उसके बाद पूरी कॉपी में वो CT चलता है. तो CT से समझ जाने कि यार वो कनेक्टिव टिश्यू है. तो इस तरीके से हम नोट्स बनाते हैं, स्पेशली बायोलॉजी में. ठीक है, तो आज हमने कवर करना है मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू. उससे पहले बेटा मेधावी बैच चल रहा है, आई होप आप सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस लगा रहे हो, क्योंकि अकेली बायोलॉजी कुछ नहीं कर सकती है. नो डाउट 50% है, बट फिर भी अकेली कुछ नहीं कर सकती है. फिजिक्स और केमिस्ट्री का साथ आपके साथ होना ही चाहिए. तो आपकी फिजिक्स भी नई सिरे से शुरू हुई है, केमिस्ट्री भी नई सिरे से शुरू हुई है. अब तो आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मतलब सब चीज़ें साथ में कर रहे हो, फिजिकल साथ में कर रहे हो, तो अब डाउट्स नहीं रहने चाहिए. ठीक है, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, टीचर्स की स्पेशल क्लास में जाकर डाउट्स पूछते रहिए एंड इस तरीके से आगे बढ़िए. यस, तो जो बच्चे मैम को नहीं जानते हैं, इधर आ जाती हूँ. हाँ जी, माय नेम इज सी फाउजन, आई एम अ बायोलॉजी एक्सपर्ट विद अनअकैडमी नीट. टोटल 7 से ऊपर सालों का एक्सपीरियंस है नीट के बच्चों को पढ़ाने का. लीडिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ काम किया भी है और अब भी लीडिंग के साथ ही काम कर रहे हैं. सो इट्स माई ऑनर टू बी पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. रैंक्स बेटा पास्ट में तो प्रोड्यूस किए हैं, इस साल मैं बता रही हूँ तुमको अनअकैडमी नीट से, जो तुम जब रिजल्ट आएगा ना तब तुम देखोगे. यस, ऑल्सो आई एम वन ऑफ द कॉन्टेंट क्रिएटर फॉर अनअकैडमी. आपका जो कॉम्बैट बनता है उसमें मैम का बहुत बड़ा हाथ है. आपके जो नोट्स आते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, प्लस सब्सक्रिप्शन में, वी ऑल आर द रिव्यूअर ऑफ दोज नोट्स एंड ऑल्सो आई एम द पैनलिस्ट इन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. ठीक है,
बाकी बेटा सब्सक्रिप्शन में क्या अंतर है जो यूट्यूब में नहीं है? देखिए क्लास यहाँ भी लाइव है, वहाँ भी लाइव है, लेकिन यहाँ पर इंटरेक्शन नहीं है. इट इज़ जस्ट वन वे कम्युनिकेशन. आई एम स्पीकिंग, यू आर लिसनिंग. कुछ कुछ इक्का दुक्की के कमेंट्स मुझे दिख जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से जाते हैं तो मैं सब नहीं देख पाती हूँ. जो दिख जाते हैं उनका आंसर हो जाता है, बट एक्चुअल इंटरेक्शन इज नॉट पॉसिबल ऑन यूट्यूब विच इज़ प्रेजेंट ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन. वहाँ पर आप जब भी क्वेश्चन पूछते हैं तो लीडर बोर्ड की हेल्प से, लाइव पोल की हेल्प से आपको अपनी रियल टाइम रैंकिंग का पता चलता है. ठीक है, टेस्ट सीरीज है, उसका एनालिसिस है. एक टेस्ट सीरीज की घोषणा आज भी होने वाली है. यस, मेधावी बैच का पहला टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है. एंड यस, देयर आर लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन. मेरी हर क्लास में इन बिटवीन अगर मैं टोटल देख लूँ तो कम से कम डेढ़ घंटे क्लास में 15 से 20 मिनट मैं सिर्फ बच्चों से बात करती हूँ, ऑडियो पे उनके डाउट सॉल्व करती हूँ. और सेपरेट तो डाउट क्लियरिंग सेशन अलग ही होता है. तो आप इमेजिन कर सकते हो किस लेवल का हमारा कम्युनिकेशन है, अटैचमेंट है उन बच्चों के साथ. और आप जुड़ सकते हैं बेटा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी. एंड यस, यू कैन गो विथ प्लस एज वेल एज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. आइकॉनिक में बेटा अंतर ये है कि आइकॉनिक में आपको 1-to-1 मेंटोरशिप मिलती है, आपको स्टडी प्लानर्स मिल जाते हैं, आपको नोट्स का हार्ड कॉपी मिलता है. ठीक है, तो प्लस भी ले सकते हैं. कोड आपके सामने यही है. कोड बेटा याद रखना, अगर मैम का पढ़ाया हुआ पसंद आता है सो डेफिनेटली बेटा गाइडेंस के लिए यू कैन रेफर टू दिस कोड, दैट इज सीप लाइफ, विच इज गोइंग टू गिव यू 10% ऑफ ऑन द सब्सक्रिप्शन. एंड ये जो 1-to-1 मेंटोरशिप है ये मिलती है आइकॉनिक में. आइकॉनिक में भी माई सेशंस दे आर ऑब्वियसली अवेलेबल फ्री ऑफ इन आइकॉनिक लाइव सेशंस. कोड विल रिमेन सेम, दैट इज गोइंग टू बी सीप लाइफ. आपके सामने बेटा आइकॉनिक 24 मंथ का, 18 मंथ का या फिर 12 मंथ का. ठीक है, स्टार्ट करें बेटा मस्कुलर टिश्यू. शुड वी स्टार्ट विद द मस्कुलर टिश्यू? हाँ जी बता दीजिए. ओके, यस. अच्छा, एक कनेक्टिव टिश्यू में से क्वेश्चन पूछ लूँ? कनेक्टिव टिश्यू में से क्वेश्चन पूछ लूँ? बताओ आता है कि नहीं आता? यस गाइस, बताइए बेटा. मेरे नाम से सर्च करो मिस्टर लिटल, मिस और मिस्टर. सीप पाहुजा बायोलॉजी के नाम से सर्च करो, मिल जाएगा. यार तुम लोग ना बिल्कुल स्पून फीडिंग है. मैं आज यही प्लस वाले बच्चों से ही बात कर रही थी. मैम अच्छा आप मिल नहीं रहे हो, आपकी प्रोफाइल मिल नहीं रही है. सबसे पहले तो मेरी प्रोफाइल का लिंक दे दो डिस्क्रिप्शन में. बाकी अगर तुम मेरे नाम से कहीं भी सर्च करोगे तो प्रोफाइल मिल जाएगी, है ना. एवरीवेयर आई एम अवेलेबल विद द सेम नेम, एट द रेट सीप पाहुजा. वही मैं बोलती हूँ, मेरा नाम यूनिक है तब नहीं मिल रहा. अगर मेरा नाम बड़ा कॉमन होता है, अगर मेरा नाम बड़े सिंपल होता, राहुल, रोहित, ऐसे कोई बहुत ही कॉमन नाम होते, सानिया, तो तान्या, सोनिया, ये सब होता, फिर कैसे मिलती मैं? अभी तो मेरा नाम यूनिक है तब तुम्हें नहीं मिल रहा कुछ है. बड़े ज़्यादा स्पून फीडिंग वाले हो कि सब कुछ ढूंढ के दे दो मैम. अब भी बस आप लिंक दे दो उसके बिना नहीं, तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है ना. चलिए आ जाइए. ओके, सो आई वॉज अबाउट टू आस्क क्वेश्चन. ओके, नेम द मैक्रोफेजेस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. Yes, name the macrophages of connective tissue. Yes, thank you Anjali for sharing. आप Anjali Anand का comment देख सकते हैं. She has shared the whole name. Yes, ढूंढते नहीं है बच्चे. वही मैं कह रही हूँ, ढूंढने पे तो बेटा भगवान भी मिलते हैं. तुम्हें ढूंढने में मैं नहीं मिल रही हूँ. With this name, also with this name, हैं? कहीं भी ढूंढ लो तुम मुझे, किसी भी platform पे. यस, नई नाम गलत. मोनोसाइट्स वाले बच्चे खड़े रहेंगे और पूरा जब तक मस्कुलर टिश्यू खत्म नहीं होता तब तक खड़े रहेंगे वो मोनोसाइट्स जिसने नाम दिया. आई एम आस्किंग अबाउट द नेम गिवन टू द मैक्रोफेजेस ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. मोनोसाइट विल कीप ऑन स्टैंडिंग. हाँ जी, यस, बिल्कुल ठीक है. सिमर एंड ये मास सेल वाले बच्चे बेंच पे खड़े हो जाएं. मास सेल जिसने दिया है वो सिंपल खड़े नहीं होंगे. दे विल स्टैंड ऑन द बेंच और द चेयर ऑन विच दे वर सिटिंग. ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया बेटा. मार खाओगे आज, मार खाओगे. इससे पता चल रहा है तुमने कोई तैयारी नहीं की. मुझे लगता है मुझे आगे जाने ही नहीं चाहिए. आई शुड नॉट कंप्लीट दिस चैप्टर, आई शुड गो बैक. हैं, आई शुड गो बैक टू दिस चैप्टर. पीछे वाला वीडियो कैसे देखे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका वो दिया हुआ है प्लेलिस्ट लिंक. वहां पे जाके आप पीछे वाले सारे वीडियोज देख सकते हो. बेटा द फैगोसाइट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दे आर हिस्टियोसाइट्स और क्लाजमेटोसाइट्स, नॉट मोनोसाइट. मोनोसाइट फैगोसाइटोसिस करता है लेकिन ब्लड में, टिश्यू में नहीं.
टिश्यू में आ जाएगा तो उसका नाम बदल जाएगा, नाम क्या हो जाएगा? हिस्टियोसाइट्स। और जो तो बच्चे बोल रहे थे मास सेल, मोनोसाइट तो मुझे फिर थोड़ा हजम हो गया, चलो इट इज स्टिल डाइजेस्टेबल, बट मास सेल इज नॉट डाइजेस्टेबल बिकॉज मास सेल कहीं भी फैगोसाइटोसिस नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं हेपरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। एलर्जी में उनका रोल है, फैगोसाइटोसिस में नहीं है। तो मोनोसाइट विल स्टैंड एंड मास सेल वाले विल स्टैंड ऑन द थिंग और द ऑब्जेक्ट ऑन विच दे वर सिटिंग। ठीक है, पूरा मस्कुलर टिश्यू बेटा एंजॉय करो, थोड़ा खड़े होके, है ना? हाँ चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं बेटा मस्कुलर टिश्यू से। पहला क्वेश्चन पूछा और वही तुमने बर्बाद कर दिया यहाँ पर। यस ओके, यस स्टार्टिंग विद द मस्कुलर टिश्यू। सो द टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ मसल्स एंड इज कॉल्ड एज मस्कुलर टिश्यू। मसल से बना हुआ टिश्यू ये आप देख रहे हैं, उसको आप क्या बोलोगे? मस्कुलर टिश्यू बोलोगे। ठीक है, अब मस्कुलर टिश्यू है, टिश्यू के अंदर क्या होंगे? मसल के सेल होंगे। अब बेटा जो मसल के सेल होते हैं ना, ध्यान देना, द सेल्स ऑफ द मसल दे आर वेरी लॉन्ग। वो राउंड सेल नहीं है, वो स्क्वायर नहीं है, वो ओवल नहीं है, दे आर एलोंगेटेड सेल्स, लंबे लंबे। अब लंबी क्या चीज होती है? लंबी क्या चीज होती है? जैसे बेटा ये तार है, तार बड़ी लंबी है, धागे की तरह, है ना, धागा लंबा होता है। इसीलिए मसल के सेल का नाम है मसल सेल इज कॉल्ड एज मसल फाइबर। मसल सेल इज कॉल्ड एज मसल फाइबर, सेल का ही नाम है बेटा जी मसल फाइबर। ठीक है, अब एक मसल फाइबर के अंदर, फॉर एग्जाम्पल एक मसल का सेल है, एक मसल फाइबर के अंदर देयर आर गोइंग टू बी मैनी इलोंगेटेड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड एज मायो फाइब्रिल। मसल फाइबर के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? मायो फाइब्रिल। ठीक है, फाइबर के अंदर फाइब्रिल। नाउ दिस मायोफाइब्रिल कंसिस्ट ऑफ मायोफिलामेंट्स, दिस मायोफाइब्रिल कंसिस्ट ऑफ मायोफिलामेंट्स। मायो वर्ड आ जाए, देखिए कभी भी मायो वर्ड आ जाए या कभी भी सार्को वर्ड आ जाए, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू मसल ओनली। ठीक है, मसल की ही बात हो रही है। तो मायो मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल के अंदर क्या प्रेजेंट है? मायो फिलामेंट प्रेजेंट है। और ये जो मायोफिलामेंट्स है ना, दे आर मेड अप ऑफ थिक एंड थिन प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन से बने हुए हैं, कुछ प्रोटीन्स आपके थिक प्रोटीन है, कुछ प्रोटीन आपके क्या है? थिन प्रोटीन है। जो तो बेटा जी थिक प्रोटीन है उसका नाम है, मेजर प्रोटीन का नाम है मायोसिन। जो आपका थिन फिलामेंट है, देखो मायोफिलामेंट थिक भी हो सकता है, थिन भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोटीन। अगर थिक है तो वहां पर प्रोटीन कौन सा है? मायोसिन। अगर वो थिन है वहां पर प्रोटीन कौन सा है? आपका एक्टिन। मेजर वन इज एक्टिन और ट्रोपोनिन भी है, ट्रोपोमायोसिन भी है। ज्यादा डिटेल एक्टिन कैसा दिखता है, मायोसिन कैसा दिखता है, वी विल स्टडी इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट, बट ओवरव्यू आई विल गिव इन दिस चैप्टर ओनली दैट मसल टिश्यू इज मेड अप ऑफ मसल फाइबर। फाइबर इज द नेम गिवन टू सेल। Fiber is made up of myofibril. Myofibril is made up of myofilament. Myofilament could be thick or thin depending upon the protein. ठीक है, depending upon the protein. अब इधर ध्यान दो, muscle cells they are composed of myofibril. ये लाइन समझ आई सबको? ये लाइन समझ आई? ये देखो लंबा लंबा, ये एक सेल है, this is one muscle cell. इस muscle cell के अंदर, fiber के अंदर होगा fibril. ठीक है, so muscle fibers they are able to contract and relax. क्या मतलब है? यहां पर लिखा है दैट मसल सेल दे आर एबल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। यानी कि बेटा जी जो मसल सेल है या फिर मस्कुलर टिश्यू है इसके पास, वहां लाइन लिखी थी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, दैट मीन्स इट्स प्रॉपर्टी इज कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी। कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी इसकी प्रॉपर्टी है कि ये अपने साइज को कम भी कर सकता है, ये अपने साइज को बढ़ा भी सकता है, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी। देन बेटा अगर कोई भी मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना है कहीं से तो सिग्नल आएगा। यानी कि इफ दिस इज मसल एंड शी वॉन्ट्स टू कॉन्ट्रैक्ट, मेरे हाथ में मसल है एंड माई हैंड वॉन्ट्स टू कॉन्ट्रैक्ट लाइक दिस, ऑब्वियसली दिस सिग्नल दे आर गोइंग टू कम फ्रॉम द ब्रेन, दैट मीन्स दे आर गोइंग टू कम फ्रॉम द नर्वस टिश्यू। कौन सिग्नल लेके आएंगे? नर्वस टिश्यू के सेल कौन से? आपके न्यूरॉन्स। सो देयर इज गोइंग टू बी न्यूरॉन जो यहाँ तक पहुंचेगा
and it is going to give signal to the muscle. That means muscle can respond to neuron. Muscle cells are excitable cells. वो ऊपर से signal लेके contract कर सकते हैं, वो excite कर सकते हैं. So the next property is going to be excitability. ठीक है, तो muscular tissue के पास मोटी मोटी दो properties हैं, excitability and contractibility. Now can you tell me out of these two कौन सी प्रॉपर्टी नर्वस टिश्यू के पास भी होगी? कौन सी प्रॉपर्टी नर्वस टिश्यू के पास भी होगी? यस बताइए. यस, कौन सी प्रॉपर्टी नर्वस टिश्यू के पास भी होगी? बताइए बताइए. आउट ऑफ दीज टू कौन सी प्रॉपर्टी नर्वस टिश्यू के पास भी होगी? क्या आपको लगता है नर्वस टिश्यू भी ऐसे छोटा बड़ा होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है? नर्वस टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन नर्वस टिश्यू एक्साइटेबल है. क्योंकि बेटा एक न्यूरॉन, मान लीजिए दिस इज वन न्यूरॉन, दिस इज सेकंड न्यूरॉन, एक न्यूरॉन दूसरे को सिग्नल दे सकता है कि नहीं दे सकता? दे सकता है. दैट मीन्स दिस कैन एक्साइट नेक्स्ट न्यूरॉन, दिस कैन ऑल्सो एक्साइट द मसल. सो द प्रॉपर्टी विच इज शेयर्ड विद नर्वस टिश्यू इज गोइंग टू बी एक्साइटेबिलिटी, नॉट contractibility. दूसरी चीज बेटा बात करते हैं अबाउट द ओरिजिन ऑफ द मस्कुलर टिश्यू. हम हर टिश्यू की स्टार्टिंग ओरिजिन से करते हैं. जो ओरिजिन कनेक्टिव का था वही ओरिजिन मस्कुलर का है. तो यहां पर ओरिजिन हो जाएगा आपका मीजोडर्मल, मीजोडर्मल इन नेचर, ऑफकोर्स विद सम एक्सेप्शन. कुछ यहां पर एक्सेप्शन है, एग्जाम्पल एक्सेप्शन, एक्सेप्ट आयरिस की मसल. Iris muscles, they are ectodermal. ठीक है, तो ये बात हो गई इसके origin की. हाँ जी, तो muscle fiber के बारे में किया. Muscle का काम क्या होगा? Muscles, they are attached to bones. कल दिखाया था कैसे attached है, with the help of tendons. ठीक है, so muscle, they are going to help in the locomotion and movement. अंतर समझते हैं locomotion and movement में. What is the difference between locomotion and movement? क्या दोनों चीजें same है? Yes. Is locomotion and movement same? बताइए yes or no. Is locomotion and movement the same thing? Yes. सेम थिंग है, दे आर नॉट द सेम थिंग. लोकोमोशन इज दैट काइंड ऑफ मूवमेंट. लोकोमोशन एक मूवमेंट का प्रकार है जिसमें आप अपनी पोजिशन चेंज कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, आई एम मूविंग फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड. आई एम शोइंग दैट काइंड ऑफ मूवमेंट वेयर आई एम चेंजिंग माई पोजिशन. एक जगह से दूसरी जगह पोजिशन चेंज हुई, वो मूवमेंट लोकोमोशन कहलाती है. लेकिन एक जगह पे खड़े खड़े ये सब करना है ना, हाथ ऊपर नीचे करना, दिस इज सिंपल मूवमेंट, दिस इज नॉट लोकोमोशन. क्योंकि मेरा जो पोजिशन है दैट इज सेम, माई प्लेस इज सेम. ठीक है, सो लोकोमोशन इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट वेयर यू आर चेंजिंग द पोजिशन. ठीक है, दोनों चीजों में आपकी मसल का रोल है. मुझे आगे बढ़ना है, पीछे जाना है, हाथों को ऊपर नीचे करना है, मसल तो चाहिए ही चाहिए. ठीक है ना. सो देर आर थ्री मेजर कैटेगरीज ऑफ मसल्स गाइस. वन इज स्ट्राइटेड मसल, अदर वन इज स्मूथ मसल, एंड द थर्ड वन इज कार्डियक मसल. तीन टाइप की मसल्स आज हम पढ़ने वाले हैं. कौन कौन सी पढ़ने वाले हैं? स्केलेटल, स्मूथ एज वेल एज कार्डियक. स्टार्ट किससे करेंगे? जो मोस्ट अबंडेंट है, सबसे ज्यादा है बॉडी में, दैट इज स्केलेटल, स्केलेटल मसल. ठीक है, सो स्केलेटल मसल, दिस इज हाउ स्केलेटल मसल लुक लाइक. अगर इसको माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो कुछ और दिखेगा, ध्यान देना. ओके, सो दीज आर द वंस विच आर अटैच टू बोन्स. यानी कि ये कौन सी मसल्स होने वाली हैं? वॉलेंट्री मसल्स. दीज आर गोइंग टू बी द वॉलेंट्री मसल्स. स्केलेटल मसल वो है जो आपकी बोन से जुड़ती है. स्केलेटल मसल को एक और नाम दिया गया है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्राइएटेड मसल. समझ रहे हो? वॉट आर स्ट्राइशंस? स्ट्राइशंस का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज हाउ द मसल सेल इज. ऑन द मसल सेल देयर इज प्रेजेंस ऑफ डार्क बैंड देन लाइट बैंड, डार्क बैंड देन लाइट बैंड, डार्क बैंड देन लाइट बैंड. दैट मीन्स देयर आर ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड, ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड. इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? स्ट्राइएटेड मसल बोला जाता है. स्ट्राइशंस मतलब डार्क और लाइट बैंड होना. ठीक है, अब ये जो स्केलेटल मसल है ये होती है सिलेंड्रिकल.
दे आर एक्चुअली सिलेंड्रिकल और इस तरीके से बंडल की फॉर्म में, ये सिलेंडर है ठीक है, देन एक सेल दूसरा सेल ठीक है, ये तीसरा सेल, देन बेटा जी चौथा सेल ठीक है, ऐसे बंडल। क्या कोई ब्रांचिंग दिख रही है? क्या डू यू सी एनी काइंड ऑफ ब्रांचिंग? डू यू सी एनी काइंड ऑफ ब्रांचिंग? ना यहाँ पर दिख रही, ना आपको यहाँ पर दिख रही, दैट मीन्स इस बंडल के अंदर कोई भी ब्रांचिंग नहीं होगी। देयर इज नो ब्रांचिंग इन दिस टिश्यू, कोई भी ब्रांचिंग नहीं होगी। सिलेंडर की तरह सीधे सीधे ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे सेल्स लगे हुए हैं ठीक है। यस, अब ये जितना भी मसल है बेटा, मसल जो है वो बंडल की फॉर्म में होता है। ये एक बंडल है, ऐसे एक और बंडल होगा, ऐसे तीसरा बंडल होगा। तो मसल ना बंडल्स की फॉर्म में अरेंज है। लेट मी ड्रॉ दैट। हाँ जी, सो फॉर एग्जाम्पल ये पूरा मसल है, दिस इज द होल मसल, एंड इस मसल के अंदर देयर आर सर्टेन बंडल्स प्रेजेंट जिनके अंदर सेल्स होंगे। देख रहे हो ये अंदर ऐसे बंडल्स हैं ठीक है, ये क्या है बेटा जी? अंदर बंडल्स हैं, और इन बंडल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? मसल फाइबर। ये सेल है, दिस इज मसल फाइबर गाइस, दिस इज मसल फाइबर, मसल फाइबर, ये एक मसल फाइबर है। मसल फाइबर यानी कि ये एक मसल सेल है, सेल्स बंडल्स में प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा बंडल। बंडल का नाम है फैसिकुलाय, बंडल इज कॉल्ड एज फैसिकुलाय ठीक है। लॉट्स ऑफ बंडल्स दे आर प्रेजेंट इन दिस बिग स्ट्रक्चर, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे आप? मसल बोल देंगे। अब ये होल मसल द बंडल एज वेल एज द सेल दे आर सराउंडेड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ। ये किससे घिरे हुए हैं? कनेक्टिव टिश्यू, व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू की एक शीट है जिसने इनको ढक रखा है। यानी कि हर मसल सेल के अराउंड भी एक कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है, हर बंडल के अराउंड भी कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है, साथ ही में पूरे के पूरे मसल के अराउंड भी देयर इज अ लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। देख रहे हो, देयर इज अ लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, हर जगह होगा, मैं बना नहीं रही हूँ, इस तरीके से यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, एवरीवेयर इट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट। सो जो जो मैंने व्हाइट कलर से बनाया है, दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू शीथ, व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। सो द शीथ, कनेक्टिव टिश्यू शीथ विच सराउंड्स द होल मसल इज कॉल्ड एज, इसका नाम है बेटा जी एपीमाइसियम। एपीमाइसियम इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ अराउंड मसल, पूरी की पूरी मसल के अराउंड जो कनेक्टिव टिश्यू की शीथ है उसको आपने क्या बोला? एपीमाइसियम। सेम वे बंडल्स के अराउंड भी शीथ है, दिस इज कॉल्ड एज पेरीमाइसियम, दिस इज कॉल्ड एज पेरीमाइसियम। माइसियम वर्ड देख रहे हो, रिलेटेड टू मसल, दैट इज अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ अराउंड बंडल, मसल के बंडल के अराउंड ठीक है। अब हर सेल के पास भी है कनेक्टिव टिश्यू की शीट है ना, दिस इज कॉल्ड एज एंडोमाइसियम। क्या नाम रखेंगे इसका? एंडोमाइसियम। दिस इज कनेक्टिव टिश्यू शीट अराउंड सेल, अराउंड फाइबर, फाइबर यानी कि एक सेल के अराउंड जो शीट है दैट इज कॉल्ड एज एंडोमाइसियम। तो हर चीज के अराउंड एक कनेक्टिव टिश्यू की शीट लगी हुई है, व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। सबसे बाहर एपी, उसके अंदर पेरी, पेरी के अंदर क्या हो जाएगा? एंडोमाइसियम। क्लियर? सो दिस इज द सेक्शन ऑफ द मसल जिसमें आपको दिख रहा है कि पूरे पूरे मसल के अराउंड कनेक्टिव टिश्यू शीट है। बाहर एपी, पेरी, एंडो, आपसे पूछा जा सकता है। आउटर टू इनर जाओ, इनर टू आउटर जाओ, इनर टू आउटर जाओगे तो पहले आएगा एंडोमाइसियम, फिर आएगा पेरी और फिर आएगा एपी। आउटर टू इनर जाओगे तो पहले आएगा एपी, फिर आएगा पेरी और फिर क्या आएगा आपका? एंडोमाइसियम। तो यही चीज आपकी यहाँ लिखी है, दैट अ शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू विल एनक्लोजेस द बंडल्स ऑफ द मसल फाइबर ठीक है। चलिए, सो ये है इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल, स्ट्रक्चर बेटा जी ऑफ द स्केलेटल मसल। और यही आपकी स्केलेटल मसल, देख रहे हो ये पूरा मसल है, इसका सेक्शन लिया तो अंदर मुझे सेल्स दिखाई दिए, बंडल्स दिखाई दिए, बंडल के अंदर एक सेल है। देखिए, दिस इज द होल मसल,
मसल के अंदर ये एक बंडल है, बंडल के अंदर ये एक सेल है, सेल यानी कि फाइबर है, ठीक है। तीनों चीजें दे आर कवर्ड बाय द शीथ ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, और इसी की वजह से यार ये जो डोले वोले बनाते हो तुम लोग, इसी की वजह से बनते हैं, ठीक है, इसी की वजह से बनते हैं। चलिए स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, लेट मी क्लियर द स्ट्रक्चर। ये फेसिकल हमने बना लिया, हाँ जी, सबसे पहले ये सिलेंड्रिकल है, नोट करते जाओ बेटा, सिलेंड्रिकल फाइबर्स हैं, अनब्रांच्ड हैं एंड ऑल्सो दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियसेस होते हैं, लेट मी शो यू ओवर हियर, येस लाइक दिस, दे आर गोइंग टू बी मल्टी न्यूक्लिएटेड पेरिफेरल न्यूक्लियस, ठीक है, विद ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स, ठीक है, सो दे शो स्ट्राइएशंस, दैट मीन्स ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स, ठीक है, तभी इसको स्ट्राइटेड मसल भी बोला जाता है, क्लियर बेटा, है ना, क्लियर, हाँ जी, बहुत बढ़िया। सो आपने देख लिया फेसिकल क्या है, फेशिया बेटा, बीच का टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज कॉल्ड एज फेशिया। अब जब हमने देखा कि यार मसल के अराउंड, सेल के अराउंड मेम्ब्रेन भी तो होगी, सो द मेम्ब्रेन विच इज अराउंड द सेल ऑफ द मसल, दैट इज कॉल्ड एज सार्कोलेमा, द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सार्कोलेमा। देखो मैंने सिखाया था सार्को वर्ड और मायो वर्ड रिलेटेड टू मसल ओनली, तो मसल की जो लेमा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसे आप क्या बोल दोगे, सार्कोलेमा। मसल का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्या बोल दोगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सार्को वर्ड आ गया, दैट मीन्स रिलेटेड टू मसल। अब बात करते हैं कि इसके अंदर, ये देखिए सार्कोलेमा है, दिस इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड उसका साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, सार्कोप्लाज्म, है ना, साइटोप्लाज्म इज गोइंग टू बी सार्कोप्लाज्म। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, इसका ईआर क्या हो जाएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हाँ जी। अब फाइबर के अंदर था मायोफाइब्रिल के अंदर था मायोफिलामेंट, ये जो मायोफिलामेंट है, थिक एंड थिन फिलामेंट, हाउ आर दे अरेंज्ड, किस तरीके से बेटा इनका अरेंजमेंट है। एक्चुअली में थिक और थिन फिलामेंट आपस में ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड है, एंड दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज सार्कोमियर। क्या बनाते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा, सार्कोमियर बनाते हैं। सार्कोमियर इज द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ द मसल, एक्चुअली में यही कॉन्ट्रैक्ट करता है, इट इज द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट। नाउ दिस सार्कोमियर कंसिस्ट ऑफ एक्टिन विच इज अ थिन फिलामेंट एंड मायोसिन विच इज फॉर्मिंग द थिक फिलामेंट। तो पहले मैं मायोसिन बनाऊंगी, ठीक है। वैसे तो बेटा ये स्ट्रक्चर आता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, जो कि आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है, लेकिन कई बार आप जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना किसी भी बुक से, तो सार्कोमियर के बारे में पूछ लेते हैं, तो यहाँ कोशिश करना समझने की, बट इसका डिटेल और अच्छे से डिटेल आएगा कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट किया, कौन सी थ्योरी थी, कैसे कौन स्लाइड कर रहा है, ये सब हम करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, ठीक है। चलो, हाँ बेटा बरेली से हो तो थोड़े झुमके ले आने थे, हैं यहाँ के बता रहे हैं कि मैम मैं बरेली से हूँ, यही होता है ना, झुमका मिलता है वहाँ पर, थोड़े से ले आने थे। हमारी क्लास में कितनी लड़की हैं, सबको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते कि नहीं। चलिए आ जाइए, बनाते हैं। वी आर ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सार्कोमियर, येलो कलर से मैंने क्या बनाया है, थिक प्रोटीन। थिक प्रोटीन का नाम आपको बताया था, क्या नाम बताया था, मायोसिन। सो दिस येलो वन इज एक्चुअली द थिक वन हुज नेम इज मायोसिन, ठीक है, दिस इज मायोसिन द थिक प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट वन जो व्हाइट कलर से हमने बनाया है, व्हाइट कलर से ऐसे ऐसे लाइंस बनाई है ना, लाइक दिस, दीज आर द थिन फिलामेंट्स और द थिन प्रोटीन्स विच आर कॉल्ड एज एक्टिन। तो ये जो है, दिस इज गोइंग टू बी एक्टिन, एक्टिन इज गोइंग टू फॉर्म द थिन फिलामेंट बिकॉज इट इज अ
थिन प्रोटीन इन कंपैरिजन टू मायोसिन. याद करने का तरीका बड़ा सिंपल तरीका है. मायोसिन, म फॉर मायोसिन, मो फॉर मोटा, ये मोटा प्रोटीन है, ठीक है ना. और ए बच गया जो एक्टिन, वो क्या हो जाएगा, थिन. तो म फॉर मायोसिन, म फॉर मोटा, मोटा प्रोटीन कौन सा, मायोसिन बीच वाला, ठीक है. दूसरा पतला वाला कौन सा हो जाएगा, एक्टिन. नाउ यू विल सी दैट एक्टिन एंड मायोसिन दे आर हेल्ड इन प्लेस. अब इनको कौन ऐसे पकड़ के रखे कि तुम यहीं रहो, तुम इधर उधर मत जाओ, है ना. तो कुछ चीजें इनको पकड़ के रखती हैं. अगर मैं बात करूं एक्टिन की, तो इसको जेड लाइन ने पकड़ के रखा है. ये है जेड लाइन, ये भी क्या है आपकी जेड लाइन. सो दिस जेड लाइन होल्ड्स द एक्टिन. सो दिस जेड लाइन एक्चुअली होल्ड्स एक्टिन. एक्टिन को पकड़ के रखा है, इतना बड़ा एक्टिन है, इसको ऐसे पकड़ के रखा हुआ है जेड लाइन ने. यहां पर भी जेड लाइन पकड़ के बैठी है. अगर बात करें मायोसिन की, तो मायोसिन को भी अपनी प्लेस में पकड़ के रखा हुआ है. किसने रखा हुआ है बेटा, एम लाइन ने. सो दिस इज द एम लाइन विच कीप्स मायोसिन इन प्लेस, अपनी जगह पे रखा हुआ है, ठीक है. ओके, अब ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, आप देख रहे हो यार ऑल्टरनेटिवली अरेंज है इस तरीके से. ड्यू टू दिस अरेंजमेंट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बैंड्स. कुछ हिस्सा हमें लाइट दिखेगा, कुछ हिस्सा हमें डार्क दिखेगा. अब खुद सोचो यार, जहां पर पतले पतले प्रोटीन है उसका रंग हमें लाइट दिखेगा, जहां मोटा मोटा प्रोटीन है वो हमें थोड़ा डार्क दिखेगा, है ना. वही तो लाइट और डार्क बैंड्स है. सो देयर इज एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ बैंड्स. क्या बन रहे हैं बेटा, यहां पर बैंड्स बन रहे हैं. सो जहां जहां पर, कान खुले रखना, जहां जहां पर ओनली एक्टिन है, ओनली एक्टिन, वो जो बैंड बनाता है दैट इज कॉल्ड एज आई बैंड. ओनली एक्टिन कहां कहां पर है, हाँ जी, यहां से लेकर मान लीजिए अप टिल हियर, दिस इज कॉल्ड एज आइसोट्रोपिक बैंड. क्या नाम है बेटा, आइसोट्रोपिक बैंड, ओनली एक्टिन वाला, ठीक है. अब यहां पे भी देख लो, यहां से ले जाओ यहां तक, ठीक है. दिस इज ऑल्सो आई बैंड. I stands for आइसोट्रोपिक बैंड, ठीक है. अब बीच का एरिया बच गया जहां पर एक्टिन भी है ओवरलैपिंग टू मायोसिन और अकेला मायोसिन भी है, ठीक है. सो दिस ओवरलैपिंग रीजन, दिस रीजन इज गोइंग टू फॉर्म द ए बैंड, एन आइसोट्रोपिक बैंड. ए स्टैंड्स फॉर एन आइसोट्रोपिक. तो याद रखेंगे, आई में सिर्फ एक्टिन है, ए में एक्टिन भी है, ओवरलैपिंग द मायोसिन और अकेला मायोसिन तो दिख भी रहा है. अब जरा ए को ही ध्यान दीजिए, एवरीवन पे अटेंशन टू ए ओनली. जब आप ए में देखेंगे तो बीच का हिस्सा ऐसा है जिसमें सिर्फ मायोसिन है ना, जिसमें सिर्फ मायोसिन है, दैट इज कॉल्ड एज एच जोन. दिस इज कॉल्ड एज एच जोन. और कुछ हिस्सा ऐसा है विच इज ओवरलैपिंग, ये इधर ओवरलैपिंग है, दिस इज कॉल्ड एज ओ जोन, ओवरलैपिंग जोन, ठीक है. इसका क्या नाम है बेटा, ओवरलैपिंग जोन. सो एच स्टैंड्स फॉर हेंसन जोन एंड दिस ओ जोन इज ओवरलैपिंग जोन, ठीक है. कोई बच्चा ओजोन को O3 मत समझ लेना, वो स्ट्रेटोस्फेयर वाली ओजोन नहीं बेटा, दिस इज ओवरलैपिंग जोन, O-zone, ठीक है. तो आपके पास इस तरीके से बैंडिंग है, आई बैंड ए बैंड, आई बैंड ए बैंड, आई बैंड ए बैंड, लाइट बैंड डार्क बैंड, लाइट बैंड डार्क बैंड, तो हो गया ना अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, तभी तो इसको बोला स्ट्राइटेड. दिस इज द होल सार्कोमियर. अब एक सार्कोमियर कहां से कहां तक है, फ्रॉम वेयर डज वन सार्कोमियर यू नो एक्सटेंड्स. सो अगर एक सार्कोमियर की बात करें, सार्कोमियर एक्सटेंड्स फ्रॉम वन जेड लाइन टू सेकेंड जेड लाइन, मतलब एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन तक, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा कहलाता है वन सार्कोमियर, ठीक है. यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा क्या कहलाता है, वन सार्कोमियर, ठीक. सो वन सार्कोमियर इज फ्रॉम जेड टू जेड, यस. तो एक सार्कोमियर में कितने ए बैंड है, कितने आई बैंड है, जरा बताओ. यस, बताइए कितने ए बैंड है, कितने आई बैंड है. मैंने बोला सार्कोमियर जेड से जेड है, तो इसके अंदर हाउ मेनी ए बैंड्स आर कमिंग एंड हाउ मेनी आई बैंड्स आर कमिंग.
यस बताइए, हाउ मेनी ए हाउ मेनी आई। हाँ जी नरगिस बिल्कुल बेटा, फेस टू रजिस्ट्रेशन पे मैंने बताया था खुशी शर्मा, एक वीडियो बना हुआ है, आप फेस टू रजिस्ट्रेशन डालो, मेरा नाम डालेंगे आपको मिल जाएगा। यस सो यू कैन सी दैट वन सार्कोमियर कंसिस्ट ऑफ फुल ए बैंड, ए बैंड तो पूरा, तो लेट अस राइट दिस इज इक्वल टू वन ए बैंड प्लस हाउ मेनी आई बैंड्स, हाउ मेनी आई बैंड्स, आई बैंड ए कितना बड़ा है, क्या पूरा आ रहा है सार्कोमियर में, पूरा तो नहीं आ रहा, आधा आ रहा है, इधर से भी देखेंगे आई बैंड इतना बड़ा है, आधा आ रहा है, सो वन ए बैंड प्लस टू हाफ आई बैंड्स, वन ए बैंड प्लस टू हाफ आई बैंड्स, इफ वी विल सिंप्लीफाई इट वी विल सी दैट वन सार्कोमियर कंसिस्ट ऑफ वन ए प्लस वन आई, सिंप्लीफाई करके ये बन जाएगा क्योंकि आधा आई यहां से आ रहा है, हाफ ऑफ द आई इज कमिंग फ्रॉम हियर। यस क्लियर, बिल्कुल सही है, आधे आधे दो आई आ रहे हैं, ये क्या आ गया, आधे आधे दो आई आ रहे हैं, दो को जोड़ के एक बन जाएगा, क्या ये इक्वेशन सबको क्लियर हो गई, इक्वेशन सबको क्लियर हो गई। नेक्स्ट चैप्टर बेटा जी इज बायो मॉलिक्यूल्स नॉट डाइजेशन, अगला चैप्टर कल से बायो मॉलिक्यूल्स शुरू हो रहा है, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चैप्टर बेटा, आई नो यू हेट इट बट स्टिल वी विल डू इट। यस हाँ जी, तो ये बात हो गई आपके स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर की, सार्कोमियर में आपने ए बैंड आई बैंड सब देख लिया है, एच जोन एम जोन ओ बैंड ए बैंड एवरीथिंग इज क्लियर, अब कितने ए बैंड कितने आई को सराउंड करते हैं ये सब चीजें हम करेंगे लोकोमोशन में, ठीक है लोकोमोशन में। चलिए सो आई बिलीव स्केलेटल मसल इज नाउ क्लियर, स्ट्राइएशंस भी आप देख सकते हो, अल्टरनेट डार्क एंड लाइट दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का डार्क है बीच में लाइट है, ठीक, एंड दे ऑल आर वॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स दैट मीन्स जितनी भी ये वॉलेंट्री मूवमेंट है हाथों की पैरों की चलने की, ये सब स्केलेटल मसल कंट्रोल करती हैं, इसी वजह से दे इजीली गेट फटीग, थक जाती हैं, दे इजीली गेट फटीग, जल्दी थक जाती है ना, दौड़ोगे एक मिनट आधे घंटे में ही थक जाओगे, सो दे इजीली गेट फटीग, ठीक। सो ये एक्टिन का स्ट्रक्चर मायोसिन का स्ट्रक्चर ये हम करेंगे इन डिटेल इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है। ये देखिए डार्क बैंड आपको दिख रहा है मायोसिन, ये पतले पतले एक्टिन दिख रहे हैं, दिस इज द डार्क वन दैट इज मायोसिन एंड द थिन वन इज एक्टिन फिलामेंट, तो ये सारे विजुअलाइजेशन बेटा आपके लिए बनाई गई है। नाउ लुक एट द विजुअलाइजेशन ऑफ द ए बैंड, ये इस तरीके से ए बैंड है, बीच में एम लाइन है, ठीक है, ये दो जेड लाइन है, इस वाली इमेज को देख लो सब समझ आ जाएगा, इस वाली इमेज को देखिए बेटा, सो दिस इज आई बैंड, ये एक जेड लाइन है, ये यहां से यहां तक आपका आई बैंड है, ठीक है, ये आपका ए बैंड है, फिर ये क्या है आई बैंड है, ठीक क्लियर क्लियर। हाँ जी चलिए आगे आ जाइए, सो दिस होल इज अ स्ट्रक्चर ऑफ द सार्कोमियर, सार्कोमियर को विजुअलाइज करने की कोशिश करी गई है यहां पर, विजुअलाइज करने की, एक्टिन मायोसिन अरेंज ऑल्टरनेट टू ईच अदर, ये सब बेटा हम करेंगे व्हेन वी विल स्टडी लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये सारी वीडियोस मैं आपको तब दोबारा कराऊंगी, ये मैंने आपको बता दिया है। आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मसल विच इज कॉल्ड एज स्मूथ मसल। हाँ जी स्मूथ मसल की शेप कैसी है पहले समझ लो फिर देखना यहाँ पर। यस टॉकिंग अबाउट स्मूथ मसल, स्मूथ मसल्स दे आर एक्चुअली बेटा स्पिंडल शेप्ड, इस तरीके से देख रहे हो, यूनी न्यूक्लिएटेड सिंगल न्यूक्लियस होता है, स्पिंडल को क्या बोला जाता है फ्यूसीफॉर्म, स्पिंडल इज कॉल्ड एज फ्यूसीफॉर्म विच टेपर एट बोथ द एंड्स, देख रहे हो ऊपर और नीचे जाके पॉइंटेड होती जा रही है, एंड इट इज यूनी न्यूक्लिएटेड, यूनी न्यूक्लिएटेड, इसके अंदर भी आपको ऐसे इलॉन्गेटेड मायोफाइब्रल्स दिखाई देंगे, बट ये जो इलॉन्गेटेड मायोफाइब्रल्स है दे डू नॉट शो एनी स्ट्राइएशंस, नो स्ट्राइएशंस, कोई बैंडिंग नहीं है, दैट मीन्स दे आर अनस्ट्राइएटेड मसल, दे आर अनस्ट्राइएटेड मसल्स, यस टेपर एट बोथ एंड्स, बिल्कुल देख रहे हो कि ऐसा सेल तो किसी के साथ ब्रांच कर भी नहीं सकता, कोशिश करने पे भी तीन चार को इकट्ठा जोड़ दे तो ब्रांचिंग नहीं हो सकती, देयर इज नो ब्रांचिंग, देयर इज नो ब्रांचिंग, ठीक है
तो ये बात हो गई आपकी स्मूथ मसल की, अनब्रांच्ड फाइबर्स हैं। प्लस बेटा दे आर इनवॉलंटरी इन नेचर, आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है बेटा। बॉडी में जो मूवमेंट्स आपके कंट्रोल में नहीं है उनमें से बहुत सारे मूवमेंट ये स्मूथ मसल कंट्रोल करता है। अब कुछ तो यार बॉडी में ऐसे रीजन है स्मूथ मसल में जिसमें आपस में बड़ी एकता के साथ काम कर रहे हैं। आई होप हमारी क्लास में पता नहीं एकता है कि नहीं। देर आर सर्टेन टाइप ऑफ स्मूथ मसल्स विच वर्क टुगेदर, कि चलो इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करें। कुछ स्मूथ मसल ऐसे हैं जो बिलीव करते हैं डिवाइड एंड रूल में, हम अकेले अकेले काम करेंगे, मैं अकेला हूँ, दूसरा सेल अकेला है, मैं उससे बात नहीं कर रहा, मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट करूँगा, तू अपना कॉन्ट्रैक्ट कर, ठीक है। तो भाई भाई वाले भी हैं और जो अकेले वाले भी हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स दो तरीके की होती हैं, वन इज कॉल्ड एज बेटा सिंगल यूनिट स्मूथ मसल एंड अदर वन इज कॉल्ड एज मल्टी यूनिट स्मूथ मसल सिंगल यूनिट एंड मल्टी यूनिट स्मूथ मसल, ठीक है। सिंगल यूनिट का क्या मसल है ये देख, क्या मतलब है, ये एक मसल फाइबर है, ठीक है, ये दूसरा मसल फाइबर है, राइट, ये बेटा नेक्स्ट मसल फाइबर है, ठीक है। इफ द मसल फाइबर्स दे आर इंटरकनेक्टेड बाय सर्टेन गैप जंक्शन, देख रहे हो ये सब मैंने क्या बनाया है, दीज आर गैप जंक्शन। यानी कि अगर एक के पास भी इंफॉर्मेशन आ गई कॉन्ट्रैक्ट होने की तो फटाफट गैप जंक्शन से ये सबको इंफॉर्मेशन दे देगा कॉन्ट्रैक्ट होने की। दैट मीन्स हियर द मसल फाइबर्स दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग एज अ सिंगल यूनिट। मसल फाइबर जो कि हैं दे कॉन्ट्रैक्ट एज सिंगल यूनिट, ये एकता वाले हैं। कैसे हैं, एकता वाले हैं। केक के पास ही मैसेज आ गया, फटाफट सबके पास भेज देंगे और सब लोग इकट्ठा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सिंस ये इकट्ठा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे दे आर एक्टिंग एज अ सिंगल यूनिट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिंगल यूनिट स्मूथ मसल। यानी कि इनके पास गैप जंक्शन प्रेजेंट है। अब बॉडी में ऐसा कहाँ होता है जहाँ पूरे इतने सारे सेल्स इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल इज बेटा जी योर यूरिनरी ब्लैडर। अगर आप यूरिनरी ब्लैडर को बहुत ध्यान से देखोगे, जब भी बेटा मैच्योरेशन करानी होती है तो सारी की सारी मसल्स एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करती है ना। ऐसा तो नहीं कि लेफ्ट साइड इज कॉन्ट्रैक्टिंग, राइट इज सेइंग कि मैं नहीं हेल्प करूंगी तुम्हारी, मैं नहीं करूंगी। नो, पूरे में एकता है, सारे के सारे इकट्ठा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अनदर एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी योर यूट्रस, है ना। अनदर एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी योर यूट्रस यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्यूरिंग डिलीवरी। जब भी बच्चे की पार्चुरेशन होती है, डिलीवरी होती है, एट दैट टाइम ऑल द यूट्राइन मायोमैट्रियम दे कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर। ऐसा तो नहीं होता कि लेफ्ट साइड कर रहा, राइट नहीं कर रहा, राइट कर रहा है, लेफ्ट नहीं कर रहा। सो दे ऑल आर कॉन्ट्रैक्टिंग एज अ सिंगल यूनिट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द गैप जंक्शंस, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गैप जंक्शन। और बेटा आपकी स्टमक की कॉन्ट्रैक्शन सिंगल यूनिट है, आपकी इंटेस्टाइन में जो पेरिस्टाइलिस चल रही है ये सब क्या है, सिंगल यूनिट है, ठीक है। तो ये हो गया सिंगल यूनिट। इसका ऑपोजिट हो जाएगा मल्टी यूनिट यानी अलग अलग, ये अपना कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये अपना करेंगे, ये अपना करेंगे, ठीक है, कोई आपस में लेना देना नहीं है। दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग एज सेपरेट यूनिट, सो दे कॉन्ट्रैक्ट एज सेपरेट यूनिट, ठीक है, अलग अलग अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट करते जाएंगे, किसी से कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल इज अरेक्टर पिलाई मसल ऑफ हेयर। और बेटा मसल ऑफ बीवी यानी कि ब्लड वेसल, ये क्या है आपका, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना बेटा। आज कंप्लीट हो जाएगा हिंदू
हिंदू कह रही है मैम कितने लेक्चर्स में एनिमल टिश्यू कंप्लीट होगा, टुडे इज द लास्ट लेक्चर, आज डन है. तो स्मूथ मसल हो गई, चलिए देख लेते हैं. सो दिस इज हाउ स्मूथ मसल्स लुक लाइक. दे आर इनवॉलेंट्री फ्यूसीफॉर्म, कोई स्ट्राइशन नहीं है. सेल जंक्शन बेटा इनको पकड़ के रखते हैं, भाई गैप जंक्शन की बात हो रही है. कहाँ मिलेगा? फाउंड इन द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स लाइक ब्लड वेसल्स, स्टमक एंड इंटेस्टाइन. ठीक है, ये फ्यूसीफॉर्म देख रहे हो, अलग अलग है. अब आप सोचो मैम ये तो मल्टी है. मल्टी नहीं है बेटा, यूनि है. ये एक अलग सेल है, ये बेटा एक अलग सेल है, ये एक अलग सेल है, दिस इज अ सेपरेट सेल. सो दीज आर फोर सेल्स विच आर टुगेदर. ठीक है, दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड. ओके, सो कहाँ कहाँ मिलेगा? वी विल फाइंड स्मूथ मसल इन स्टमक, वी विल फाइंड इट इन यूट्रस, वी विल फाइंड इट इन आवर आईज, ऑल्सो वी विल फाइंड इट इन आवर ब्रोंकाई. जो जो आपके कंट्रोल में नहीं है वहां पर आपको क्या मिलने वाला है? स्मूथ मसल्स मिलने वाले. ठीक है, ठीक है बेटा. श्री प्रभा सर्च करो सीपाहूजा बायोलॉजी, मिल जाएगा. हाँ जी, तो ये स्टमक की वॉल में जो फोल्ड्स हैं, यहाँ जो मसल्स हैं दे आर स्मूथ मसल्स. ये ब्लड वेसल बनी हुई है, ब्लड वेसल में जो ट्यूनिका मीडिया है, ट्यूनिका मीडिया इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स. ठीक है, ये सब स्मूथ मसल्स हैं, राइट गाइस. चलिए और कहाँ है? इंटेस्टाइन की वॉल देख लो. इंटेस्टाइन की वॉल में भी क्या प्रेजेंट है? स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है, लॉन्गिट्यूडनल मसल, सर्कुलर मसल, ये सब स्मूथ है. जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है एक्सेप्ट हार्ट, वो सब स्मूथ मसल्स हैं. ठीक, थर्ड एंड द लास्ट टाइप ऑफ मसल इज कॉल्ड एज कार्डियक मसल. तो पहले मैं कार्डियक मसल आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दूँ, फिर दिखाऊंगी. सो स्टार्टिंग विद कार्डियक मसल्स. ठीक है, कार्डियक मसल्स में क्या है? दे आर सिलेंड्रिकल. तो लेट अस ड्रॉ सिलेंड्रिकल फाइबर्स, बट दे शो ब्रांचिंग. दिख रहा है? दे शो ब्रांचिंग लाइक दिस. सो दे आर गोइंग टू शो द ब्रांचिंग. सो दीज आर बेटा जी कार्डियक मसल. ठीक है, अब इसमें अलग अलग सेल्स हैं, वेरियस सेल्स, दे आर ऑल्सो यूनिन्यूक्लिएटेड. यूनिन्यूक्लिएटेड तो एक एक न्यूक्लियस बना दो सबके पास. ठीक है, यूनिन्यूक्लिएटेड. साथ ही में बेटा दीज ब्रांचिंग, ये जो ब्रांच है इसको बोला जाता है ऑब्लिक ब्रिजेस. ऑब्लिक ब्रिजेस यूनिन्यूक्लिएटेड. ठीक, एंड अनदर थिंग इज दैट दे ऑल्सो शो फेंट स्ट्राइएशंस. बहुत ही हल्के हल्के बैंड्स हैं, लेकिन है, लेकिन बेटा है, वेरी वेरी फेंट स्ट्राइएशंस दे आर प्रेजेंट. थोड़े थोड़े बना दीजिए. सो दीज आर फेंट स्ट्राइएशंस. ठीक है, फेंट बैंडिंग है, अच्छे से नहीं है बट है, तो हम इसको स्ट्राइएटेड ही बोलेंगे. तो लिख लेते हैं बेटा, ये होंगी सिलेंड्रिकल. ठीक है, ये होंगी ब्रांच्ड, ये कहलाएंगी स्ट्राइएटेड, ये कहलाएंगी यूनिन्यूक्लिएटेड. ठीक, अब एक बड़ी खास बात है इनके पास. क्या खास बात है? देखो कार्डियक वर्ड है, कार्डियक वर्ड यानी कि दे आर गोइंग टू बी प्रेजेंट अराउंड द हार्ट. कहाँ पर प्रेजेंट है? आपकी हार्ट के अराउंड, हार्ट की जो वॉल है दैट इज सराउंडेड बाय दीज कार्डियक मसल. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दे हैव गॉट सम जंक्शंस विच आर कॉल्ड एज इंटरकैलेटेड डिस्क. आपको बीच बीच में क्या मिलती है यहाँ पर? इंटर कैलेटेड डिस्क. अभी इंटर कैलेटेड डिस्क एक्चुअल में है क्या? ये है बेटा जी एक तरीके का जंक्शन विच एक्ट्स एज बूस्टर फॉर द कॉन्ट्रैक्शन. यानी कि इसका हिंदी मतलब समझो बेटा सिंपल भाषा में, कि अगर इस सेल के पास भी मैसेज आ गया तो फटाफट से बेटा इंटरकैलेटेड डिस्क से पूरे टिश्यू के पास चला जाएगा. अदरवाइज तो स्लो मामला है ना, एक दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, समय लग जाएगा. समय नहीं है हार्ट के पास, समय नहीं है, उसको टाइमली कॉन्ट्रैक्ट करना है. और उसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें अगर एक के पास भी मैसेज आ जाए तो सबके पास भेजना है. कौन भेजेगा? इंटरकैलेटेड डिस्क. ठीक है, इंटरकैलेटेड डिस्क. यस गाइस, चले आ जाइए कार्डियक मसल पे. ये लुक एट द कार्डियक मसल, दे आर सिचुएटेड अराउंड द हार्ट. ब्रांच देख रहे हो, सिलेंडर देख रहे हो. हाँ जी, तो इनवॉलेंट्री ऑब्वियसली बेटा आपके हार्ट की मसल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं है. तुम्हारा दिल किसी को भी देख के थोड़ा ज़्यादा धड़कता है ना?
कुछ लोगों को देख के बेटा बिल्कुल ही शांत हो जाता है। तो अब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है कि किसको देख के ज्यादा धड़क रहा है। कोई भी हो सकता है यार, वो मूवी एक्टर हो सकता है, मूवी एक्ट्रेस हो सकती है, कोई ब्लॉगर हो सकता है, एनीवन कुड बी देयर। सो इट इज ऑब्वियसली इनवॉलंटरी, तुम्हारे हाथ में तो नहीं है, है ना। चलिए, सो सेल जंक्शंस दे विल फ्यूज एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब इनमें कुछ कम्युनिकेशन जंक्शन है, इसके बारे में बात कर रही थी, जो अभी हमने लिखा, विच आर कॉल्ड एज इंटरकैलेटेड डिस्क, विच अलाउ द सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ सिंगल यूनिट। ताकि बेटा सारे के सारे सेल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, है ना, सारे के सारे सेल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। सो when सेल विल रिसीव द सिग्नल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, नेबरिंग सेल विल ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ गया इंटरकैलेटेड डिस्क, कि अगर एक सेल के पास भी इंफॉर्मेशन आ गई तो इंटरकैलेटेड डिस्क से सारे सारे के सारे सेल्स के पास पहुंचेगी और ये पूरा का पूरा यूनिट एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तभी तो बेटा चेंबर्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। योर हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चेंबर्स, ऐसा तो नहीं होता कि ये चेंबर अपना लगे हुए हैं, नहीं, दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ये पॉसिबल हुआ विद द हेल्प ऑफ कार्डियक मसल। अब जरा सोच के बताओ, क्या ये मसल थक सकती है जब तक तुम लोग जिंदा हो? कैन दिस यू नो गेट टायर्ड? ओम लास्ट में करेंगे, वो लास्ट में जब सिलेबस 11th का हो जाएगा, 11th के लास्ट में। नो, दे नेवर गेट फिटिंग, बेटा ये थक जाएगी, तुम तो परमानेंटली थक जाओगे। दे नेवर गेट फिटिंग्ड, दे नेवर गेट फिटिंग्ड। सो दिस इज द कार्डियक मसल विच विल ऑलवेज ऑलवेज स्टे कॉन्ट्रैक्टेड टिल द टाइम दे विल शो कॉन्ट्रैक्शन टिल द टाइम यू आर लिविंग। सो ये आपका हार्ट है, हार्ट की मसल्स के अराउंड आपको इस तरीके से कार्डियक मसल दिखती हैं। स्ट्राइशंस भी दिखाई दे रही हैं, न्यूक्लियस भी दिखाई दे रहा है, देर इज अ सिंगल न्यूक्लियस एंड यू कैन सी द ब्रांचिंग एज वेल, किस तरीके से दे आर शोइंग द ब्रांचेस। ठीक है, क्लैरिटी है, क्लैरिटी है बेटा, यस। सो दीज आर द कार्डियक मसल्स ओनली विच आर प्रेजेंट अराउंड द हार्ट। ठीक, तो हार्ट को जो ऑटो रिदमिक बनाती है, योर हार्ट इज एक्चुअली मायोजेनिक बेटा, ज़्यादा डिटेल हम बॉडी फ्लूइड्स में करेंगे। हार्ट इज मायोजेनिक, हार्ट को क्या बनाती है? ऑटो रिदमिक बनाती है यही कार्डियक मसल। अगर ये मसल ना होती ना तो बेटा आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट ना करता, बिकॉज इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन, इट इज़ द कंट्रोल अंडर द कंट्रोल ऑफ दीज कार्डियक मसल्स। ठीक है, दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ कार्डियक मसल्स, राइट। सो विद दिस वी आर डन विद द मस्कुलर टिश्यू। अब एक होमवर्क दे रही हूँ, अभी सेशन खत्म नहीं हुआ है, नर्वस टिश्यू करा के ही छोड़ूंगी, बट एक होमवर्क है, मसल में से एक होमवर्क है बेटा। सब बच्चे करके आएंगे, जो नहीं करके आएंगे वो मेरे से आगे नहीं पढ़ेंगे। सो द होमवर्क इज बेटा, प्लीज ड्रॉ और डिफरेंशिएट बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ मसल इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम, इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, टेबुलर फॉर्म में डिफरेंशिएट करेंगे। कैन यू डू दिस? अब जितना अच्छा बना सकते हैं ये आपके ऊपर है। यू कैन ऑल्सो इनकॉर्पोरेट डायग्राम्स, यू कैन ऑल्सो यू नो इनकॉर्पोरेट कलर्स, कैसे भी, लेकिन मेरे बच्चे ये होमवर्क करके आएंगे। लिख लो, अपने नोट्स में लिख लो होमवर्क और एक पेज खाली छोड़ दो। इट इज़ बेस्ट कि आप उसको पोर्ट्रेट फॉर्म में करने की जगह ऐसे यू नो लैंडस्केप फॉर्म में अगर डिफरेंस करेंगे तो ज़्यादा स्पेस मिलेगी, ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। पोर्ट्रेट में भी कर सकते हैं, बड़ा टाइट हो जाता है, लेकिन आप ऐसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक, हो जाएगा ये होमवर्क। चलिए, होमवर्क करके मेरे साथ शेयर करना, ठीक है। आई विल चेक एंड अगर मुझे कोई बहुत अच्छा लगा तो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी भी। किसी बच्चे का अगर मुझे होमवर्क, ये टेबल बहुत अच्छा लगा, आई विल डिस्प्ले इट इन माई नेक्स्ट क्लास, दैट इज़ टुमारो। ठीक है, देखते हैं बेटा कौन अच्छा काम करता है, मुझे अच्छा लगा तो करूंगी, बाकी नहीं करूंगी। हाँ जी, चलिए आ जाते हैं अगले टिश्यू पे, दैट इज कॉल्ड एज नर्वस टिश्यू। नेक्स्ट टिश्यू इज न्यूरल टिश्यू। देख रहे हो बेटा, जाल बना हुआ न्यूरॉन्स का, लास्ट टाइप ऑफ टिश्यू वी आर गोइंग टू डू। सो इट इज मेड अप ऑफ ऑब्वियसली न्यूरॉन्स है इसके पास, ठीक है, न्यूरॉन्स है, विच आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज न्यूरल टिश्यू। क्या काम है? बॉडी में कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना,
ठीक है, फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एज वेल एज फॉर कोऑर्डिनेटिंग. हाँ जी, न्यूरॉन्स कैसे हैं? दे आर द एक्साइटेबल सेल्स. बिल्कुल, दैट मीन्स अगर इनकी प्रॉपर्टीज करी जाए, अगर बेटा इनकी प्रॉपर्टीज करी जाए, सबसे पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी एक्साइटेबिलिटी. एक्साइटेबिलिटी यानी कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से स्टिमुलस लेके एक्साइट हो सकता है, मतलब उसमें भी चार्ज आ सकता है, फिर बेटा वही चार्ज आगे भी भेज सकता है. ये देखो यहाँ पर इस पोर्शन में अगर चार्ज आ चुका है तो इट कैन सेंड इट टू वेरियस डायरेक्शन, दैट मीन्स इट कैन शो कंडक्शन. सेकेंड प्रॉपर्टी इज कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी, तो नर्वस टिश्यू के पास दो मेजर प्रॉपर्टीज है, पहली एक्साइटेबिलिटी, दूसरी कंडक्टिविटी. एक्साइटेबल मतलब टू रिसीव द स्टिमुलस फ्रॉम द अनदर न्यूरोन एंड गेट एक्साइटेड. कंडक्शन मतलब दे कैन ट्रांसफर द सेम स्टिमुलस टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूरोन. ठीक है, यस. हाँ जी मिस्टर हनी, यू कैन डीएम मी. आप मुझे किसी भी प्लेटफॉर्म पे डीएम कर सकते हैं. आप बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, वहाँ पर आप मुझे टैग कर सकते हैं, अपनी स्टोरी में डाल सकते हैं. जो बेस्ट हुई वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वहाँ पर. ठीक है, मुझे टैग करो, स्टोरी में डालो अपना होमवर्क करके, जो मुझे अच्छा लगेगा आई विल शेयर इट ऑन माई प्रोफाइल एज वेल. तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं बेटा, कहीं भी शेयर करिए, है ना. न्यूरॉन्स के साथ साथ देयर आर अदर टाइप ऑफ सेल एज वेल विच आर कॉल्ड एज न्यूरोग्लायल सेल. अब ध्यान देना, एक माइंड मैप टाइप बना लेते हैं फिर पढ़ेंगे. सो नर्वस टिश्यू इट इज फर्स्ट कंपोज ऑफ अ न्यूरोन प्लस सेकेंड इट हैज गॉट न्यूरोग्लायल सेल. जो मेजर काम है टिश्यू का, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भेजना, इम्पल्स भेजना, वो कौन करेगा? न्यूरॉन करेगा. यस, वो कौन करेगा बेटा? न्यूरॉन करेगा. लेकिन उसको पैक करना, सपोर्ट करना, ये काम कौन करेगा? न्यूरोग्लायल. सोचने में ऐसा लगता है कि यार मेजर काम तो न्यूरॉन करता है, सोचने में ऐसा लगता है कि शायद न्यूरॉन्स का नंबर ज़्यादा होता होगा, बट नो. मोर देन 50% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ नर्वस टिश्यू इज कम्पोज ऑफ ग्लायल सेल. ये जो सपोर्टिव सेल्स है ना, ये जो पैकेजिंग सेल्स है, दे ऑक्यूपाई मोर देन 50% ऑफ द वॉल्यूम. ठीक है, सो नर्वस टिश्यू में दोनों हैं, लेकिन ज्यादा कौन से हैं? ग्लायल सेल है. सबसे पहले बेटा स्ट्रक्चर कर लेते हैं न्यूरोन का. वैसे तो न्यूरोन का स्ट्रक्चर हम नर्वस सिस्टम में भी करेंगे, बट यहाँ पर भी देखना बनता है. इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. वन इज कॉल्ड एज सेल बॉडी, ऑल्सो कॉल्ड एज पेरिकेरियन. पेरिकेरियन को ही क्या बोला जाता है? साइटोन. या फिर इसको ही क्या बोला जाता है? स्टोमा. ठीक है, पेरिकेरियन कहाँ गया? और सोमा. ठीक है, सेकेंड पार्ट इज नर्व प्रोसेसेस. मतलब इस साइटोन से कुछ निकलता है. अब यार दो तरीके के प्रोसेसेस निकलते हैं. कुछ छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स. सो डेंड्राइट्स, दीज आर स्मॉल प्रोसेस एंड दीज आर ब्रांच प्रोसेस एंड दीज आर मैनी, बड़े सारे होते हैं मैनी. ठीक है, दूसरे टाइप के प्रोसेस निकलते हैं एग्जॉन. एग्जॉन एक लॉन्ग प्रोसेस है, लंबा सा होता है एग्जॉन. ये अनब्रांच्ड है और क्या है बेटा? सिंगल, एक अकेला होता है. ठीक है, अकेला होता है. तो ड्रॉ कर ले स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, एवरीवन विद मी. हाँ जी, आ जाइए. सो ये हो गया एक न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अराउंड ये हम बना रहे हैं सेल बॉडी. सब बच्चे साथ साथ ड्रॉ करेंगे, मैंने बोला हुआ है जब तक खुद ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक बेटा समझ नहीं आएगा. ठीक, हाँ जी. तो सेल बॉडी से निकले कुछ शॉर्ट प्रोसेसेस विच आर कॉल्ड एज डेंड्राइट्स. तो ये जो मैं बना रही हूँ दीज आर डेंड्राइट्स. ठीक, स्मॉल ब्रांच प्रोसेसेस. ठीक, डेंड्राइट्स. यस, सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज साइटोन और द सेल बॉडी. सेल बॉडी के अंदर एक तो आपको मिल रहा है न्यूक्लियस और एक मिलेगी साइटोप्लाज्म. द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज न्यूरोप्लाज्म. ठीक, हाँ जी. और ये प्रोसेसेस जिसका नाम है डेंड्राइट्स. ठीक है, हाँ जी. नाउ दिस लॉन्ग प्रोसेस इज कॉल्ड एज एग्जॉन. इस पूरे प्रोसेस का क्या नाम है?
एग्जॉन, और ये एंड का है, इसका नाम है एग्जॉन एंडिंग, एग्जॉन एंडिंग. यस गाइस, एग्जॉन एंड एग्जॉन एंडिंग. भाई तुम जो करा रही हो वो करना नहीं है तुमको, बुक बता दो. आगे क्या कराओगे वो बता दो. कॉकरोच कब होएगा ये बता दो. ऑर्गन सिस्टम वाला पोर्शन कब होगा वो बता दो. ये बता दो वो बता दो, लेकिन ये मत करो. इज दिस अ राइट वे? ये मिस हो जाएगा, कल कहेंगे मैम न्यूरॉन बता दो, तो मैं बताऊंगी थोड़ा. जब जो बता रही हूँ वो नहीं सीखना. ये कब होगा, सिलेबस कब कंप्लीट होगा, कहाँ पे आप हो, कैसे ढूंढें, कहाँ क्लास लेते हो, अनअकैडमी क्या है, ऐप कैसे डाउनलोड करें. एलियंस हो क्या? आर यू गाइज एलियंस? हैं बताओ, फोन वोन चलाना आता है कि नहीं आता? यस, बड़े अजीब हो यार. चलो आ जाओ. एग्जॉन, दिस इज कवर्ड बाय, एग्जॉन इज सराउंडेड बाय सर्टेन सेल्स. दीज आर कॉल्ड एज अ श्वान सेल. दीज आर कॉल्ड एज द श्वान सेल. बेटा ये समझ नहीं आया ना, मैं दोबारा नहीं कराऊंगी न्यूरॉन वाले चैप्टर में. दीज आर कॉल्ड एज श्वान सेल्स. यस, दीज आर कॉल्ड एज श्वान सेल्स. ये आप देख रहे हैं इस तरीके से न्यूक्लियस है. मान लीजिए एग्जॉन है, श्वान सेल ऐसे एक है, दूसरा है, तीसरा है, इस तरीके से ऐसे पूरा इसको सराउंड कर रखा है. दीज आर कॉल्ड एज श्वान सेल. अब इस टिश्यू के पास जो भी सेल अपार्ट फ्रॉम न्यूरॉन है वो न्यूरोग्लाइल सेल है. तो श्वान सेल भी अपना क्या है? न्यूरोग्लाइल सेल है. ठीक है, न्यूरोग्लाइल सेल है. श्वान सेल का काम है कि कुछ न्यूरॉन्स में एक व्हाइट कलर का मटेरियल रिलीज करते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल. दिस इज कॉल्ड एज माइलिन शीथ. क्या नाम है? दिस व्हाइट कलर इंसुलेटिंग मटेरियल इज कॉल्ड एज माइलिन शीथ. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज माइलिन शीथ. ठीक है बेटा जी. अब बीच में यू विल सी सर्टेन गैप्स, यू विल सी सर्टेन गैप्स. दीज गैप्स वेयर माइलिन शीथ इज एब्सेंट, दीज आर कॉल्ड एज नोड ऑफ रणवियर. दीज आर कॉल्ड एज नोड ऑफ रणवियर. ठीक है, अब एग्जॉन एंडिंग में आप लास्ट में देखेंगे दैट दीज बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स दे आर प्रेजेंट एंड दीज बल्ब आर कॉल्ड एज साइनेप्टिक नॉब्स. साइनेप्टिक नॉब्स. अगर एक नॉब को मैं ध्यान से देखूं इस तरीके से दिखाई देता है. सो एक नॉब के अंदर देर आर सर्टेन वेसिकल्स विच आर प्रेजेंट. दीज वेसिकल्स आर कॉल्ड एज साइनेप्टिक वेसिकल्स. साइनेप्टिक वेसिकल. ठीक है, यस, इस तरीके से न्यूरॉन दिखता है. साइटॉन हो गया, एग्जॉन हो गया, एग्जॉन एंडिंग हो गई. एंडिंग में आपको एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, नॉब. नॉब के अंदर क्या है? वेसिकल है. अब अगर मैं साइटॉन की बात करूं, साइटॉन में नो डाउट साइटोप्लाज्म है. साइटोप्लाज्म के अलावा देर आर सर्टेन अदर स्ट्रक्चर्स विच आर आर ई आर ऑफ दीज सेल्स, जो कि आर ई आर का काम करते हैं. दीज आर कॉल्ड एज निसल ग्रैन्यूल्स. दीज आर कॉल्ड एज निसल ग्रैन्यूल्स, जो कि क्या है? इसके आर ई आर है. अगर ये आर ई आर है तो ये क्या बनाएंगे? आर ई आर का क्या काम होता है? इफ दीज आर आर ई आर, वॉट आर दे गोइंग टू फॉर्म? यस, आर ई आर है तो क्या बनाएंगे बताओ? क्या बनाता है आर ई आर? नाइन्थ क्लास में पढ़ा था, इलेवेंथ में नहीं पढ़ा, तो नाइन्थ में पढ़ा था. अगर तुम अभी इलेवेंथ में आए हो, बोल रहे हो मम हमें नहीं पता. हाँ जी, क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं. सो हेयर द प्रोटीन्स विच आर फॉर्म्ड दे आर कॉल्ड एज न्यूरो ट्रांसमीटर्स. और ये न्यूरो ट्रांसमीटर बनेंगे यहाँ पर, स्टोर कहाँ पर होंगे? साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर. तो जो चीज़ निसल ग्रैन्यूल्स ने बनाई वो कहाँ पर है? साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर है. अभी निसल ग्रैन्यूल्स कहाँ कहाँ पर है? दीज निसल ग्रैन्यूल्स कहाँ कहाँ पर है पूरे के पूरे न्यूरॉन में? इफ आई टॉक अबाउट निसल ग्रैन्यूल्स, दे आर प्रेजेंट ओनली इन निसल ग्रैन्यूल्स. दे आर सीन ओनली इन साइटॉन प्लस डेंड्राइट. दे आर नॉट प्रेजेंट इन एग्जॉन. एग्जॉन में नहीं है, याद रखना, सिर्फ साइटॉन और डेंड्राइट्स में है. नाउ दिस टिप ऑफ द एग्जॉन, ये जो टिप है ना, दिस इज वेरी सेंसिटिव एरिया. दिस इज कॉल्ड एज एग्जॉन हिलॉक. द टिप इज कॉल्ड एज एग्जॉन
हेलॉक, ठीक है। अभी जो आप एक न्यूरॉन का डायग्राम देख रहे हैं जिसमें बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं, एक अकेली एक्सॉन है। दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन इज द वन जिसमें बहुत सारी जगह से मैसेज आ सकता है, क्योंकि मैसेज की जो डायरेक्शन है ना वो ये है, दिस इज द डायरेक्शन। डेंड्राइट्स विल रिसीव द मैसेज, दे विल पास ऑन टू साइटॉन, साइटॉन किसको देगी, एक्सॉन को। ऐसा ही होगा ना, डेंड्राइट्स ने लिया, साइटॉन को दिया, साइटॉन ने आने एक्सॉन को दिया। कभी भी मैसेज उल्टा नहीं जाता, इम्पल्स उल्टी नहीं जाती है, ठीक है। बहुत सारी जगह से मैसेज लिया, इधर भी है डेंड्राइट्स, उधर भी है, सब ने साइटॉन को दिया, साइटॉन ने आगे किसको दिया, एक्सॉन को दिया। सो दिस डायरेक्शन इज पॉसिबल बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी डेंड्राइट्स हैं। सो दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन जिसमें मल्टीपल डायरेक्शंस है, मल्टीपल डायरेक्शन से आ रहा है, फिर एक दिशा में दे रहे हैं, बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं, दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड एज मल्टीपोलर न्यूरॉन। अभी जो हमने न्यूरॉन बनाया है वो कैसा बनाया है, मल्टीपोलर न्यूरॉन बनाया है। जरूरी नहीं है सारे न्यूरॉन मल्टीपोलर होंगे, अलग अलग भी हो सकते हैं, है ना, अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे हमारे पास यूनिपोलर न्यूरॉन्स भी हैं, यूनिपोलर जिसके पास सिंगल पोलैरिटी है, एग्जांपल इन एम्ब्रियो, एग्जांपल इन एम्ब्रियो। वी हैव ए पोलर न्यूरॉन एज वेल, कोई डायरेक्शन ही नहीं है, कहीं से भी आ रहा है, कहीं से भी जा रहा है, सीन इन हाइड्रा। वी हैव गॉट बाइपोलर न्यूरॉन्स, दो ही डायरेक्शन है, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, ये बाइपोलर है, ठीक है, एक जगह से मैसेज आया और एक ही दिशा में गया। सीन इन योर रेटिना, रेटिना एंड ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। देयर आर गोइंग टू बी स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, कि लग तो ऐसे रहा था जैसे सिंगल पोलैरिटी होगी, लेकिन लेटर ऑन इट बाइफरकेट्स इनटू टू पार्ट्स, दिस इज कॉल्ड एज स्यूडो, यानी कि फॉल्स यूनिपोलर, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, ठीक है। सीन इन डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये सब चीजें हम नर्वस सिस्टम में और अच्छे से करते हैं, है ना, ये सारी चीजें बेटा नर्वस सिस्टम में हम और अच्छे से करते हैं। इतना हजम कर लोगे कि नहीं करोगे, कि बस मैम एनसीईआरटी वाला पैरा पढ़ाओ, ये आप न्यूरॉन में करा देना, न्यूरल कंट्रोल में करा देना, यहाँ मत कराइए मैम, बहुत ज्यादा हो गया, फर्स्ट चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा ले लिया मैम, है, समझ लोगे। यस, कर लेंगे आज हम, ऐसा तो नहीं कि तुमको वो हाजमे वाली गोली देनी पड़ेगी मुझे। टेस्ट कब होगा, टेस्ट होगा स्पेशल क्लास पे, स्पेशल क्लास में कल लूंगी। अच्छा कल टेस्ट करते हैं बेटा इसका, आई विल शेयर द लिंक विद यू ऑन टेलीग्राम, कल फुल चैप्टर का टेस्ट करेंगे, इस चैप्टर का टेस्ट कल होगा स्पेशल क्लास में, ठीक है। हाजमोला, हाँ हाजमोले की जरूरत तो नहीं है तुमको, ये मल्टीपोलर न्यूरॉन है, बाइपोलर स्यूडो यूनिपोलर हमने देख लिया है। अब आपने देखा कि न्यूरॉन, न्यूरॉन बेटा माइलिनेटेड भी हो सकता है, जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट हो, न्यूरॉन क्यूड बी अनमाइलिनेटेड एज वेल, या फिर नॉन माइलिनेटेड, अनमाइलिनेटेड भी ठीक है, अनमाइलिनेटेड एज वेल, यानी कि माइलिनेटेड न्यूरॉन वो है जिसके पास माइलिन शीथ प्रेजेंट हो, है ना, जिसके पास माइलिन शीथ प्रेजेंट है वो क्या है, माइलिनेटेड, पहले दिखाया था, जिसके पास माइलिन शीथ नहीं है वो क्या है, अनमाइलिनेटेड। अब क्या श्वान सेल किसके पास होंगे, टॉकिंग अबाउट श्वान सेल, श्वान सेल बेटा माइलिनेटेड वाले के पास तो होंगे ही होंगे, क्योंकि वही माइलिन रिलीज करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी प्रेजेंट होंगे। तो श्वान सेल हर जगह है पीएनएस में, लेकिन जहाँ पर वो माइलिन सिक्रीट कर रहे हैं वो न्यूरॉन माइलिनेटेड है, जहाँ पर माइलिन नहीं सिक्रीट कर रहे वो न्यूरॉन क्या है, अनमाइलिनेटेड है, ठीक है, अनमाइलिनेटेड है, ठीक है, यस। अब किसमें फास्टली मैसेज जाएगा, जरा देखो, ये आपकी एग्जॉन है, ये ऊपर माइलिन शीथ है, ये माइलिन शीथ है, याद रखिए माइलिन एक्ट्स एज एन इंसुलेटर, माइलिन क्या है, एक इंसुलेटर का काम है, तो जहां पर माइलिन है
मैसेज विल ट्रैवल लाइक दिस. देखो इंसुलेटर के ऊपर तो नहीं जा सकता, एक नोड से दूसरे नोड, दूसरे नोड से तीसरे नोड, तीसरे से चौथे. मतलब एक तरीका है कि आप जंप करके जाओ, दूसरा तरीका है कि कोई माइलिन नहीं है, सीधा 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 चलते गए, या तो चल के चले जाओ या फिर जंप करके चले जाओ. सो इट कुड बी माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड. इन केस ऑफ माइलिन कंडक्शन द स्पीड इज गोइंग टू बी फास्ट. While comparative to this, the speed is going to be slow here. Jump करके जाओगे जल्दी पहुंचोगे, चल के जाओगे देर हो सकती है ना. तो body में कहीं भी fast conduction करानी है वहां पर कौन से होते हैं बेटा, that is called as myelinated neuron. अब PNS में myelination कौन करता है? PNS में myelination is done by Schwann cell. ठीक है, श्वान सेल. यही माइलिनेशन CNS में कौन करते हैं? ओलिगो डेंड्रोसाइट्स. ठीक है, सो माइलिनेशन दोनों में हो सकती है, PNS में भी CNS में भी, बट सेल्स कुड बी डिफरेंट. PNS में इट इज डन बाय श्वान, CNS में इट इज डन बाय ओलिगो डेंड्रोसाइट्स. ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं. नेक्स्ट थिंग, जैसे अपना न्यूरॉन था, मसल था, वैसे ही एक नर्व होता है. न्यूरॉन जब बंडल में होते हैं ना बेटा, न्यूरॉन एक्चुअली दे आर इन बंडल. मान लीजिए दिस इज वन न्यूरॉन, सेक्शन काट के देखा, ये एक दूसरा न्यूरॉन, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारे सेल ना बंडल में प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से. दे आर एक्चुअली प्रेजेंट इन अ बंडल लाइक दिस. सेम वे और बंडल्स होंगे, अंदर ये सेल्स हैं, दिस इज अ न्यूरॉन. ठीक है, सेम वे और भी बंडल्स होंगे, दिस इज अ न्यूरॉन. छोटे वाले न्यूरॉन है, बड़ा वाला बंडल है. नाउ ऑल द बंडल्स दे आर सराउंडेड बाय अनदर लेयर, और इस पूरे को क्या बोलोगे आप? एक नर्व बोलोगे. सो दिस होल इज कॉल्ड एज नर्व. तो ये है बेटा जी आपका एक नर्व. जैसे वो मसल था वैसे नर्व है, जैसे वो एक फैसिकुलाय था, ये यहां पर भी एक बंडल को क्या बोलोगे? फैसिकुलाय बोलोगे. अब आप ही नाम बताएंगे बेटा, मैं नहीं बताऊंगी. कनेक्टिव टिश्यू की शीथ यहाँ भी है, नाम तुम लोग बताओगे. ठीक है, ये फैसिकुलाय है बंडल, एंड दिस इज अ सिंगल न्यूरॉन, दिस इज अ सिंगल न्यूरॉन. नाउ होल ऑफ द नर्व इज सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, वाइट फाइब्रस, फाइब्रस लेयर है बेटा कनेक्टिव टिश्यू के. ऑल द बंडल्स दे आर सराउंडेड बाय द फाइब्रस लेयर, एंड ऑल दी सेल्स ऑल्सो दे आर सराउंडेड बाई द फाइब्रस लेयर. चलिए नाम बताइए. हाँ जी, आप लोग ही नाम बताएंगे, कम ऑन गाइस, टेल मी, बताइए बताइए. सबसे पहले नर्व इज सराउंडेड बाय, वहां माइसियम था, यहाँ न्यूरोन से रिलेटेड नाम बना दो, है ना. वहां पर माइसियम था, यहाँ क्या बन जाएगा? न्यूरियम. सो द कनेक्टिव टिश्यू शीथ विच इज सराउंडिंग द होल नर्व, दिस इज कॉल्ड एज एपी न्यूरियम. ठीक है, दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू शीथ अराउंड होल नर्व, पूरी की पूरी नर्व के अराउंड. ठीक है, बंडल के अराउंड वाली शीथ का क्या नाम हो जाएगा? पेरी न्यूरियम, पेरी न्यूरियम अराउंड बंडल. और सेल्स के अराउंड वाली शीथ का क्या नाम हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज हाँ जी, एंडोन्यूरियम. तो आपसे पूछा जा सकता है आउटर टू इनसाइड एपी पेरी एंडो, इनर टू आउटसाइड एंडो पेरी एंड एपी. वहां माइसियम है, यहां पर क्या है? न्यूरियम है. तो न्यूरॉन के बारे में पता चल गया, कितने टाइप्स के न्यूरॉन हो सकते हैं आपकी बॉडी में. मेजरली मल्टीपोलर है, मल्टीपोलर में भी माइलिनेशन हो सकती है, अनमाइलिनेशन भी हो सकती है. अब बात करते हैं ग्लायल सेल की. लास्ट टॉपिक is going to be glial cell. Now glial cell ना बेटा 50% more than 50% cover कर रहे हैं, लेकिन उनका बड़ा साइज भी हो सकता है. They could be macroglial cells, macroglial cell, or they could be microglial cell, microglial cell. Macro मतलब large size. बहुत सारे types के हैं बेटा. We have got astrocytes. दीज आर मैक्रोग्लायल सेल्स जो ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं. वी हैव गॉट यू नो अनदर सेल्स लाइक ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो कि
CNS में माइलिन शीथ रिलीज करते हैं. वी हैव गॉट ईपेंडाइमल सेल. दीज आर द ओनली सेल्स विद सिलाए एंड सिलिया एंड विलाए. मैंने सिलिया और विलाए को जोड़ दिया, सिलाए बन गया वो. ओके, ईपेंडाइमल सेल्स. सो ये क्या है आपके मैक्रो माइक्रोग्लाइल सेल. बेटा कुछ तो इसके बारे में खास है, क्योंकि ये सेल एक तरीके का एक्सेप्शन है. दिस इज अ टाइप ऑफ एक्सेप्शन. क्या है ये एक्सेप्शन बेटा? होल नर्वस टिश्यू, होल नर्वस टिश्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म. इट इज एक्टोडर्मल. बट बेटा माइक्रोग्लायल इज एन एक्सेप्शन, क्योंकि ये एक्टोडर्मल नहीं है. ये क्या है? मीजोडर्मल है. M for microglial, M for meso. हाँ जी, हैं? ये नरगिस क्या लिख रही हो यार, क्या लिख रही हो? We should learn to respect all the teachers, है ना? Beat anyone, everyone is working really hard. चलिए. ओके, सो न्यूरॉन्स बेटा दे आर प्रोटेक्टेड बाय न्यूरोग्लायल सेल. दे मेक अप हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टिश्यू. 50% से ज्यादा वॉल्यूम कौन बना रहा है? न्यूरोग्लायल सेल बना रहे हैं. यहाँ पे आप देख रहे हो हाउ न्यूरॉन्स दे कंडक्ट द मैसेज. किस तरीके से मैसेज जा रहा है, इधर से गया एंड अल्टीमेटली इट विल रीच टू द नेक्स्ट न्यूरॉन. दिस इज शोइंग द एक्साइटेबिलिटी. ठीक है, साइनैप्स यहाँ पर दिख रहा है. साइनैप्स आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था. हाउ द न्यूरो ट्रांसमीटर्स इन द गैप साइनैप्टिक क्लेफ्ट में बेटा वो जाते हैं अगले न्यूरॉन पे एंड देन दे ट्रांसफर द मैसेज. एंड इस तरीके से आपका मैसेज जाता है नेक्स्ट न्यूरॉन के पास. सो इसका काम हो जाएगा कंट्रोल एंड कंडक्शन. ठीक है, कंट्रोल एंड कंडक्शन. यस, सो दिस इज हाउ मैसेजेस दे ट्रैवल इन योर बॉडी थ्रू न्यूरॉन्स. ठीक है, ये सारा क्या आपका न्यूरल टिश्यू डायग्राम भी आप देख सकते हैं. डेंड्राइट, एक्सॉन, माइलिन शीथ, श्वान सेल, एक्सॉन टर्मिनल, हम सब चीज़ें ये कर चुके हैं. एंड दिस इज द माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ द न्यूरॉन. माइक्रोस्कोप में बेटा ऐसा दिखता है, दिख रहा है? जो हम स्लाइड्स पे देखते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं, दिस इज हाउ न्यूरॉन लुक्स लाइक. ये सारे डायग्राम्स नर्वस टिश्यू हैं. और ये डायग्राम तो बेटा आपकी एनसीईआरटी में भी बना हुआ है. ये आपका सेल बॉडी है, इधर की तरफ आपका एक्सॉन जा रहा है और इधर जो ब्रांचेस हैं दीज आर द डेंड्राइट्स. ठीक है, दीज आर द डेंड्राइट्स. ओके, हाँ जी. तो द ह्यूमन नर्वस सिस्टम एज यू कैन सी इट इज मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ नर्व्स विच कम आउट ऑफ द ब्रेन ऑल्सो द स्पाइनल कॉर्ड. और वो पूरी बॉडी में फैल जा रहा है. आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, कुछ पेरिफेरल नर्व्स है. ये सब चीजें किससे बनी है? बंडल ऑफ न्यूरोन से ही बनी है. ठीक है, बंडल ऑफ न्यूरोन से ही बनी है. अब आप लोग टेस्ट के बारे में पूछ रहे थे. मेधावी बेटा हमारा स्पेशलाइज टेस्ट आ रहा है. यस, वी आर ब्रिंगिंग द फर्स्ट फ्री टेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू. दैट इज बाय द नेम मेधावी फॉर नीट 2022 ऑन 8th of October बेटा 2 से 3 बजे तक ये टेस्ट होगा. सब बच्चे एक लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. हम सब ने मिल के ही टेस्ट डिजाइन किया, पूरी टीम ने. यू वॉन्टेड अ टेस्ट, सो देयर इट इज. इट्स अ टेस्ट, मेधावी टेस्ट फॉर नीट 2022 एग्जामिनेशन. मैंने सिलेबस क्या रखा है बेटा? मैंने एनिमल टिश्यू नहीं रखा है. मैंने सिलेबस आपका एक क्लास 11th का ईजी सा चैप्टर रखा है, दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे ना, आपको सब टीचर्स का सिलेबस दिखने लग जाएगा कि उसने क्या क्या सिलेबस बेटा रखा है. सो इट इज टेस्ट ऑफ कंप्लीट बायोलॉजी, केमिस्ट्री एज वेल एज फिजिक्स. आपका टोटल उसी तरीके से जैसे पेपर आता है वैसे ही पेपर आएगा और 2 से 3 आपका टेस्ट होगा. ठीक है, सो ऑन 8th of October फ्रॉम 2 to 3 PM. सब बच्चे मुझे प्रॉमिस करेंगे कि सारे बच्चे इसमें एनरोल करेंगे, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है. 2 से 3 8 को मेरे ख्याल से हम लोग कोई क्लास भी नहीं रखेंगे. मोस्ट प्रॉब्ली कोई क्लास नहीं होगी 8 अक्टूबर को 2 से 3. ठीक है, आप लोग फ्री हैं, आराम से टेस्ट दीजिए. आराम से आप क्या करेंगे, टेस्ट देंगे. और इस चैप्टर का एनिमल टिश्यूज का टेस्ट मैं कल लेने वाली हूँ, टुमारो, ऑन माई स्पेशल क्लास. ये बेटा मेरी अन अकेडमी पे प्रोफाइल है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्रोफाइल में जाइए, मैम को फॉलो कर लो. फॉलो करने के बाद कल का टेस्ट आपको इस तरीके से दिखने लगेगा. एनिमल टिश्यूज का टेस्ट है कल स्पेशल क्लास में. टाइमिंग्स मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी. आई विल अपडेट यू ऑन दी
टेलीग्राम, ठीक है। बाकी अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन में अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो बेस्ट वे इज टू एनरोल इन द कॉम्बैट। कॉम्बैट हर संडे होता है बेटा, एवरी संडे 11 AM। इस संडे बेटा 11 बजे आपका टेस्ट है। यू कैन एनरोल बाय यूजिंग दिस कोड, दैट इज सीप लाइफ। इस कोड से आप लोग एंट्री ले सकते हैं। फ्री टेस्ट है, 28 क्वेश्चन आएंगे 60 मिनट में। फोन पे बैठ के देखने, कहीं नहीं जाना, किसी सेंटर में नहीं जाना, फोन पे, एंड्रॉयड फोन पे टेस्ट होगा। जो रैंक 1, 2, 3 वाले हैं उनको मिलेगा 100% ऑफ ऑन द सब्सक्रिप्शन। देन 4 to 10 75%, 11 to 15 50%। इस तरीके से आपके सब्सक्रिप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है। हाँ जी, और सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप जब आपको मिल जाएगा, स्कॉलरशिप लेने के बाद यू कैन एनरोल इन द सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन बेटा जी आप प्लस भी ले सकते हैं, लाइव क्लासेस, पीडीएफ्स मिलेंगे, टेस्ट होंगे, क्विजेज होंगी, और बेटा आप आइकॉनिक भी ले सकते हैं जिसमें आपके पास लाइव मेंटोरशिप और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस इन एडिशन टू दैट है। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो बेटा डेफिनेटली यू कैन गेट योर सेल्फ एनरोल्ड बाय यूजिंग दिस कोड एंड आप आ जाएंगे मैम की गाइडेंस के अंदर, ठीक है। एंड यस, वी विल स्टार्ट देन आवर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। प्लस पे मेरे कोर्स चल रहा है जिसका नाम है मेधावी, एंड उस बैच में भी प्लस पे अलग बैच है, उसमें आई एम टीचिंग बायोटेक्नोलॉजी फॉर 12th एंड बॉडी फ्लूइड्स हमारा हो जाएगा फॉर 11th। फिजियोलॉजी चल रही है मतलब 11th की, 12th में हम बायोटेक्नोलॉजी पहले कर रहे हैं, ठीक है। बाकी बेटा इस सेशन की PDF मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पर। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, NCERT से पूरा पढ़ लीजिए। मैं हैंड रिटन नोट्स भी भेजूंगी और जो स्लाइड्स हैं वो भी भेजूंगी, दोनों भेजूंगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करनी है, नोट्स अपने एफिशिएंटली अगर कुछ बच गया है तो कंप्लीट कर लेना है। एंड देन आई विल सी यू व्हेन टुमारो 3 PM एंड कल इवनिंग में इसी चैप्टर का स्पेशल क्लास भी होगा, टेस्ट होगा। और कल हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? टुमारो आई एम गोइंग टू स्टार्ट बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कल? बायोमॉलिक्यूल्स। तो इसके लिए रेडी रहना, डिफिकल्ट है पर करना है, एंड कल का सेशन यू विल एंजॉय अ लॉट, बहुत मजा आने वाला है। इंट्रोडक्शन है एंड थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। हैंड रिटन में इसी फाइल के साथ अटैच कर दूंगी बेटा, यही तो है हैंड रिटन। ये क्या मैंने किसी और के हाथ से लिखे हैं? अपने हाथ से लिखे ना, दीज ऑल आर कॉल्ड एज हैंड रिटन नोट्स ओनली, इसी को बोलते हैं हैंड रिटन। ये मैं अटैच कर दूंगी उस फाइल से जो आपकी स्लाइड वाली है, और आपको ये भी मिल जाएंगे, ठीक। आप सॉर्टेड राइट? चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक एवरीवन टेक केयर एंड बाय बाय।